मुझे किसी से बैर नहीं, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। जय हिंद। इस बार बॉर्डर पर लड़ने की सारा तैयारी बन चुका है। यस सर। प्रधानमंत्री से मेरी बात हो चुकी है। जी सर। 10 पेटी बम टापू पर रखवा दिया गया है। यस सर। 20 पेटी पिस्टल कुआं में रखवा दिया गया है, सब छुपा कर रख दिया गया है। यस सर। तुम सबको बम, पिस्टल, परमाणु, किसी भी प्रकार का बम हथियार की जरूरत की कमी होगी तो तुम सबके लिए रास्ता में बिछवा दिया गया है। यस सर। पाकिस्तान से निकलने वाले बॉर्डर पर जितने भी भारत के सैनिक है सबको खबर कर दो, रास्ते के अंदर बगल में जो जितनी भी घास है सबके अंदर हथियार को छुपा दिया गया है। सर। तिरगावा वाले बॉर्डर पर मैंने अभी काफी ज्यादा बर्फ पड़ रहा है, इसलिए इधर भी कुछ बम रखवा दिया गया है। ठीक है। सैदपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है। सैदपुर में गर्मी है इसलिए मैंने वहाँ पर परमाणु फेंकवाने का विचार बना लिया। वहाँ वाले पाकिस्तानियों को मैं परमाणु से उड़वा दूंगा। नीचे हम लोग बिछा देंगे माइंड से सर, और वहाँ पर आएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बस ब्लास्ट कर देंगे। एकदम गुड। और मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि लड़ने की इस बार हमेशा हमारे जो है कि शहीद होते जा रहे हैं। आपकी बात पाकिस्तानियों को सर बता दीजिए कि हम लोग भारत के इस बार आर्मी जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। बार उनकी धजिया हिला देगी। अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे लड़ने वाले सैनिकों तुम सब बस हो। यस सर। हम लोग गाय गोरू भैंस अपना घर पर छोड़ कर आए हैं सर, इसीलिए गुड गुड माता पिता को छोड़ कर आए हैं सर। गुड लड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अपना बम पिस्टल हथियार सब लोग तैयारी कर लो, चलने का टाइम हो चुका है बॉर्डर पर। अब चलेंगे बॉर्डर पे, सब लोग अपना पिस्टल विस्टल मुर्चा छोड़ा लो। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो चलते हैं बॉर्डर पे। चलो सर। माइन से बिछाओ सर, लाइन से ट्रैक्टर के पहिया पर सर। सुनो, पाकिस्तान इधर आएंगे तुरंत तैयार रहना। सर अगल बगल भी बिछा दीजिए। अगल बगल बिछा तो ठीक है। बंदूक की गोली तुरंत छोड़ने लगा। जैसे ही आएंगे उड़ा देना। सर बगल में सर, रूड का सीमे छुप जाओ। अरे अरे छुप जाओ, यहाँ से मारेंगे। चल ना जा खोजो। क्या हो रहा है बड़े भाई? हिंदुस्तानियों को इस बार 26 जनवरी पर मातम मनना चाहिए सरदार। एकदम मातम मचेगा। बाकी कश्मीर में कल खून का होली खेलना है, तैयार हो आप लोग? चलो। बस बम बोलने वाला है, सभी लोग साइलेंट हो जाओ। साला भारत का बमों साला लंचटा है सब। नहीं सर, आप ही तो कहे थे माइंस बहुत अच्छा है। आ, यार सब गुजर गए, बोला भी नहीं साला। सब पार हो गए। हाँ, निकलने जा रहे हैं। लग रहा था सर फ्यूज हो गया था। सर फ्यूज हो गया सर, करंट नहीं पा रहा है सर। क्या करेंगे अब हम लोग? अब वही क्या करेंगे, अब लड़ना पड़ेगा सामने सामना। पाकिस्तान वाला भाग गिन रहे। हाँ मर्दी कुल भाग गिन। फौजी आपका हुई लाठी डंडा खाएंगे, पाकिस्तान को मार भगाएंगे। गुड। भारत माता की जय।
शहीद हुआ है पाकिस्तान का, एक शहीद हो चुका है। लिया नहीं ना, चेक करो, बम उम नहीं लिया है, चेक करो। साला माला पहना है, मलवा निकालो जी, इसका माला निकालो। कनवा में जो जरा नजर है क्या बना रे लोड़ा, सब जूता चप्पल निकाल लो, सब बेचेंगे, सब निकाल ले, सब निकालो। चलो छोड़ो पाकिस्तानी को, चलो 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 चलो। इस हिंदुस्तानियों ने क्या क्या मेरे छोटे भाइयों को, मैं अपने बेगम साहिबा को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मेरा एक ललता पुत्र था उनका। आप बताओ अब्दुल क्या क्या जाए इन बार भाई जान, इस बार हिंदुस्तानी खैरियत नहीं भाई जान, सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ा देंगे भाई जान, एकदम सरौली से हम दो पेटी बम मंगाएंगे। आप सरौली से मंगाइए, मैं नौगढ़ चकिया से मंगाऊंगा भाई जान, वो भी तोप वाला, वो दो अपने शरीर का नीचे वाली गोली से अंग मेरे भाइयों का छेदा ना। इस बार हिंदुस्तान में किडनी ही किडनी लौकेगी, इस बार भाई जान छल्ली छल्ली हिंदुस्तान, जहाँ भी नाम गुजगा पाकिस्तान। कल से बॉर्डर पर लड़ाई शुरू कर दो, जैसा हुक्म हो भाई जान आपका। हिंदुस्तान में अब खैरियत नहीं है, बॉर्डर पर चलते हम लोग। चलो भाई जान।